जी भाई, आपको लग रहा है नसीम शाह में कैपेसिटी है? आपने देखा होगा उनको कि वो भी शाहीन की तरह ऊपर आ सकते हैं, एक मैच में हीरो बन सकते हैं। बिल्कुल, देखिए ऐसे मैच, इंडिया पाकिस्तान के मैच ये होते ही इसलिए हैं कि ही आपको हीरो बना जाते हैं ये मैचेस, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं दोनों कंट्री में जब ये मैच चल रहा होता है। और मुझे लगता है कि किसी भी यंगस्टर के लिए इससे बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता कि भारत वर्सेस पाकिस्तान, ये इससे बड़ा गेम नहीं है क्रिकेट में। जैसे हम कहते हैं कि अगर फुटबॉल की बात करें तो जो अर्जेंटीना या फिर वो बड़ी बड़ी टीमें हैं, वैसे ही भारत वर्सेस पाकिस्तान इज़ ऑलवेज अ बिग बिग गेम एंड अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द यंगस्टर्स टू शोकेस देयर टैलेंट एंड बिकम अ हीरो। भाई, एक पंजाबी तौर को मैसेज लेना चाह रहे हैं, आपने तुसी देखा होना है कि बाबर आजम मिले ने विराट कोहली नू, रोहित शर्मा शहीन नू, थोड़े दौर से बड़े अच्छे तालुकात सन शोएब अख्तर नाल, शायद अपने, लेकिन लंबे गैप तो बाद हुन तालुकात जरा बेहतर होए ने क्रिकेटर्स दे विच, तुहानू ये तस्वीरां कैसी लगियां ने? नहीं, बड़ी चंगी गल है जी, सारे मिलजुल रहे ने और हमेशा असीं देखण च वी आया, पहला भी खिलाड़ी मिलते सी आपस दे विच, और ये जिहड़ियां तस्वीरां असीं देख रहे हैं विराट जाके बाबर नूं मिल रहा है या फिर होर प्लेयरां नूं जाके मिल रहा, बड़ी चंगी गल है। और दोनों पंजाबी है और पंजाबी पुत्र एक दूसरे नूं मिल रहे हैं तो बहुत वधिया। और ये क्रिकेट दे जरिए देखिए एक बड़ा वधिया मैसेज आ रहा बाकी दी आवाम नूं भी कि मिलजुल के रहो, खुश रहो, तंदुरुस्त रहो, एक दूसरे लिए चंगी मुराद मांगते रहो। तुसीं चाहते दोनों देशों दी टीमां आपस दी सीरीज भी खेल सकन? बिल्कुल खेलनी चाहिए, देखो सीरीज़ होएगी तो फिर क्रिकेट होएगी तो फिर तालुकात भी वधिया होणगे। और ये तो मैं समझ सकता कि जो सियासत करके टीमां साढ़े देश नहीं आ रही या तुहाडे देश नहीं आ रही टीमां, वो एक अलहदा गल है। बट समझ लाइक कि मैं जो कहां कि दुबई है स्टेडियम या फिर होर न्यूट्रल वेन्यूज़ से भी अगर मैच हो तो मैं लगता कि क्रिकेट के लिए भी बड़ा अच्छा तो एक आवाम के लिए भी बड़ा अच्छा मैसेज है। भाई जी, तुहानू नहीं लगता इस एशिया कप के पाकिस्तान इंडिया का कह लो कि तुसी तीन मैच की सीरीज़ होने जा रही है, 28 नू फिर 4 नू हो सकता है 11 सितंबर भी? देखो लगता है ही रहा, बट यू नेवर नो, क्रिकेट इज़ अ फनी गेम, आई थिंक एनीथिंग कैन हैपन। बांग्लादेश नू तुसी घट ना समझो किसी नालों, और सोचता असी ये रहे हैं कि तीन बारी खेलन गए आपस दे विच, बट ये भी हो सकता कि बांग्लादेश पार्टी स्पॉयल कर दे, तो अफगानिस्तान क्योंकि वो ऐसी कंडीशन दे विच खेलते हैं, उन्होंने कोल कुछ अच्छे प्लेयर भी हैं तो उन्होंने भी घट नहीं आंकया जा सकता, स्पैशली T20 फॉर्मेट दे विच। आई थिंक दिस फॉर्मेट गिव्स एवरीवन अपॉर्चुनिटी टू विन अ गेम, तो मैं तो यही कहूँगा कि तीन मैच अगर इंडिया पाकिस्तान के होंगे तो बड़ी मज़ेदार गल होएगी, बट खुदा ना खास्ता कोई ऐसा ही कम हो जाता कि पाकिस्तान और इंडिया के दो ही मैच होंगे हैं तो पता लगे अफगानिस्तान तो कोई दोनों टीमों के एक टीम और फाइनल खेल रही है तो भी अपने आप से एक तजर्बा हो जाएगा। जो पिछले साल इसी मैदान पर 152-40 हुआ था, देखिए पिछला साल बहुत पीछे जा चुका है और पीछे जाना नहीं चाहिए, आगे की तरफ देखना चाहिए। जो रोहित ने भी कहा है कि आगे का जो रास्ता है वो कैसे तय करना है वो दर्शाएगा कल का ये मैच, क्योंकि टीमें दोनों देखिए हमेशा बराबर की होती हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि कोई टीम पेपर में बहुत अच्छी दिखती है पर जब प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाती ठीक से तो रिज़ल्ट जो है वो कभी कभार फेवरेबल नहीं होते, तो कोशिश ये होनी चाहिए कि आपकी जैसी भी टीम है ग्राउंड पर जाइए और परफॉर्म करके दिखाइए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि टीम इंडिया इस चीज़ के लिए रेडी है, पिछले लगातार एक साल में उन्होंने काफ़ी T20 क्रिकेट खेली भी है और यहाँ पे अच्छा प्रिपरेशन करके आए हैं, उम्मीद करते हैं कि इस बार पलटवार करेंगे। ऑन पेपर्स आपको पाजी अगर बात करें दोनों टीमों को देखें, आप बहुत अच्छे से टीमों को देख रहे हैं, कौन आपको मजबूत नज़र आ रहा है, क्या कोई दोनों टीमों में ऐसा कोई एरिया जो थोड़ा कमज़ोरी अगर हम बात करें तो? इंडिया की बल्लेबाजी तो बहुत स्ट्रांग है और अगर गेंदबाजी की अगर बात करूँ वो भी स्पेशली अगर फास्ट बॉलिंग, उसमें बुमराह नहीं है, शमी नहीं है, वो बहुत बड़ा फैक्टर थे दोनों इस टीम के। और अब युवा गेंदबाज हैं इस टीम में, वो क्या करके दिखा सकते हैं उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बिग शू टू फिल बट स्टिल एक बड़ी अपॉर्चुनिटी। जो भी इंडिया पाकिस्तान के मैच में अच्छा करता है वो हीरो बन जाता है, तो ये उस मुल्क के लोगों के लिए भी और इस मुल्क के लोगों के लिए भी ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि जो स्पेशली जो यंगस्टर हैं उनके लिए कि हीरो बनने का। और ये मुझे लगता है कि भारतीय टीम बल्लेबाजी में ऊपर है पाकिस्तान से, गेंदबाजी में मुझे लगता है शायद पाकिस्तान की गेंदबाजी थोड़ी सी भारत से इस समय मौजूदा स्थिति में भारत की गेंदबाजी से ऊपर है, हालांकि उनके भी शाहीन नहीं है बट उनके पास फिर भी ठीक ठाक गेंदबाजी है, स्पिनर इंडिया के बहुत बढ़िया है।